हम गमजदा हैं लाए कहां से खुशी की गीत। साहिर लुधियानवी की इस नज्म को अगर गुरुदत्त की जिंदगी का फलसफा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुदत्त की असल जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उनकी जिंदगी पर फिल्में बनाई जाएं तो 3 या 4 फिल्में तैयार हो जाएंगी। यूं तो गुरुदत्त ने दर्जन भर से ज्यादा फिल्में बनाई, लेकिन उनकी बेहतरीन फिल्मों में प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 और CID की गिनती होती है। गुरुदत्त के बेटे अरुण बताते हैं, प्यासा और कागज के फूल उनके पिता की जिंदगी को बखूबी बयां करती हैं। कागज के फूल भले ही सिनेमाघरों में 1 हफ्ते भी ना चल पाई हो, लेकिन आज ये फिल्म दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती है। कागज के फूल को देखकर राज कपूर ने ये कहा था, ये फिल्म अपने वक्त से पहले बन गई है। भले ही आज इसे दर्शक ना समझ पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां गुरुदत्त के इस काम पर नाज करेंगी। गुरुदत्त ने इस फिल्म में कैमरा और लाइट के साथ ऐसा अनूठा प्रयोग किया जो उस दौर में किसी निर्देशक के बस की बात नहीं थी। गाने के साथ फिल्म की स्टोरी बढ़ाने जैसा प्रयोग केवल गुरुदत्त ही कर सकते थे। उस दौर में 100mm लेंस से गुरुदत्त ने ऐसा क्लोजअप शॉट तैयार कराया जिसे आज के सिनेमाटोग्राफर गुरुदत्त शॉट के नाम से जानते हैं। पर्दे पर रोशनी और परछाई का अद्भुत प्रयोग या तो ऑर्सन वेल्स की फिल्मों में मिलता है या फिर गुरुदत्त की फिल्मों में, लेकिन दोनों कंटेम्प्रेरी थे। गुरुदत्त अपनी फिल्में इतनी तसल्ली से बनाते थे कि उसके किरदार कहानी के साथ साथ बड़े होते थे। वो एक एक शॉट को तब तक फिल्माते थे जब तक उन्हें तसल्ली ना हो जाए। एक फिल्म को तैयार करने में गुरुदत्त इतनी रील इस्तेमाल करते कि उससे 3-3 फिल्में शूट की जा सकती थी। 9 जुलाई 1925 को मैंगलोर में जन्मे गुरुदत्त के बचपन का नाम वसंत कुमार पादुकोण था। उनका गुरुदत्त नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 2 साल की उम्र में वसंत कुमार काफी बीमार पड़ गए थे और उनके माता पिता को एक साधु ने बताया कि अगर इस बच्चे का नाम बदल दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। गुरुवार को पैदा हुआ वसंत कुमार का नाम बदलकर गुरुदत्त कर दिया गया। गुरुदत्त 5 बरस के हुए तो पिता की नौकरी बर्मा सेल कंपनी में लग गई। इस तरह परिवार मैंगलोर छोड़कर कलकत्ता आ बसा। भवानीपुर के जिस इलाके में वो रहते थे, पास ही में एक बड़ा मैदान था। उस मैदान पर जात्रा और तमाशे वाले अक्सर आते थे। मौसम से बेपरवाह गुरुदत्त रात भर तमाशा और कठपुतली का डांस देखते रहते। गुरुदत्त को खेलने से ज्यादा मजा पढ़ने में आता था, खास तौर पर इंग्लिश और बांग्ला कहानियां। उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की, लेकिन उनका एक शौक कभी पूरा नहीं हो पाया, वो था कॉलेज जाने का और डिग्री हासिल करने का। गुरुदत्त बांग्ला इतनी सफाई से बोलते थे कि लोग उन्हें बंगाली समझते थे। उनके नाम में जुड़ा दत्त इस मिथक को और मजबूत करता था। बालकृष्ण बेनेगल रिश्ते में गुरुदत्त के मामा लगते थे और वो एक मशहूर पेंटर थे। गुरुदत्त ने उनके साथ काफी वक्त बिताया। एक बार वो उनसे मिलने पहुंचे तो देखा कि मामा ने सपेरे की पेंटिंग बनाई है। 15 साल के गुरुदत्त वो पेंटिंग देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सपेरा डांस इजाद कर डाला। परिवार के सामने जब गुरुदत्त ने डांस दिखाया तो उन्हें बतौर इनाम 5 रुपए मिले। इस तरह डांस, ड्रामा और म्यूजिक के प्रति गुरुदत्त का लगाव बढ़ता गया। घर की माली हालत खराब थी, जिसके चलते 16 बरस के गुरुदत्त टेलीकॉम कंपनी में ऑपरेटर का काम करने लगे। गुरुदत्त के अरमान को पूरा किया मामा बालकृष्ण बेनेगल ने। उनकी मदद से गुरुदत्त 1941 में अल्मोड़ा पहुंचे और उदय शंकर जी का इंडिया कल्चर सेंटर ज्वाइन कर लिया। गुरुदत्त की प्रतिभा को देखते हुए कल्चर सेंटर ने उन्हें 75 रुपए सालाना की स्कॉलरशिप देनी शुरू कर दी। उस जमाने में 75 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से भारत पर जापान के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा था। इस खतरे को देखते हुए इंडिया कल्चर सेंटर बंद कर दिया गया और मायूस होकर गुरुदत्त को बॉम्बे लौटना पड़ा। बॉम्बे में उनका परिवार पहले से मौजूद था। गुरुदत्त की किस्मत अच्छी थी, उन्हें जल्द ही पुणे के प्रभात स्टूडियो में डांस डायरेक्टर की नौकरी मिल गई। 1946 में गुरुदत्त ने प्रभात स्टूडियो की निर्मित फिल्म हम एक हैं से बतौर कोरियोग्राफर अपने करियर की शुरुआत की थी। यहीं उनकी मुलाकात देवानंद से हुई। देवानंद की मुलाकात के पीछे एक किस्सा भी है। दरअसल देव बाबू और गुरुदत्त के कपड़े एक ही धोबी धोता था। एक रोज दोनों की शर्ट बदल गई और गुरुदत्त के पास दूसरी शर्ट नहीं थी, तो वो देवानंद की शर्ट पहनकर ही स्टूडियो पहुंच गए। देवानंद भी उस दौर में स्ट्रगल कर रहे थे। जब उन्होंने गुरुदत्त को अपनी शर्ट पहने देखा तो पूछ लिया, ये शर्ट आपने कहां से खरीदी है? इस पर गुरुदत्त ने उन्हें पूरा किस्सा सुना दिया और इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी हुई। देवानंद ने कहा था कि अगर भविष्य में वो कभी भी फिल्म बनाते हैं तो इसका निर्देशन गुरुदत्त को ही देंगे।
इस पर गुरुदत्त ने कहा कि अगर मैंने कभी फिल्म बनाई तो आपको लीड रोल में लूंगा। कुछ साल बाद देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो उसके निर्देशन का जिम्मा गुरुदत्त को मिला। इस तरह बतौर निर्देशक साल 1991 में रिलीज हुई बाजी गुरुदत्त की पहली फिल्म थी। बाजी के सेट पर ही उनकी मुलाकात उभरती हुई गायिका गीता राय से हुई। गुरुदत्त को गीता की आवाज बहुत पसंद आई, वो उनकी आवाज के दीवाने हो गए थे। तो वहीं दूसरी ओर गीता भी गुरुदत्त के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर दिल हार बैठी थी। 1952 में गुरुदत्त ने देवानंद और गीता बाली के साथ जाल बनाई और उस फिल्म के 3 गाने गीता दत्त ने गाए। ये फिल्म हिट साबित हुई और गुरुदत्त को बतौर निर्देशक एक नई पहचान मिली। उधर गीता राय से गुरुदत्त की करीबियां बढ़ती जा रही थी और घर वालों की मर्जी से दोनों ने 1953 में शादी भी कर ली। दोनों से 3 बच्चे हुए, तरुण, अरुण और नीना। 1953 में ही गुरुदत्त ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। बाज उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी। इसमें लीड एक्ट्रेस गीता बाली थी और इसके बाद उन्होंने आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। 1956 में गुरुदत्त की फिल्म CID आई। इसके डायरेक्टर गुरुदत्त के असिस्टेंट राज खोसले थे। इस फिल्म के लिए गुरुदत्त को नए चेहरे की तलाश थी और इस दौरान उनकी मुलाकात वहीदा रहमान से हुई। हालांकि वहीदा को इस फिल्म में छोटा सा रोल मिला, लेकिन 1957 में रिलीज हुई प्यासा में वहीदा को बड़ा रोल मिला। प्यासा की तारीफों के पुल फिल्मी क्रिटिक आज भी बांधते हैं। प्यासा की शूटिंग से जुड़ा बेहद दिलचस्प किस्सा भी है। गुरुदत्त अपने जिगरी दोस्त जॉनी वॉकर के साथ नाई के पास बैठे थे। नाई किसी दूसरे शख्स के सर की मालिश कर रहा था और गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर से कहा, इसकी उंगलियों पर फोकस करो, ये उंगलियां कैसे चला रहा है सीख लो। बस फिर क्या था, जॉनी वॉकर ने स्टाइल कॉपी कर ली और उसमें अपना तड़का मारकर पेश किया, सर जो तेरा चकराए गाना। इस गाने में जॉनी वॉकर के एक्सप्रेशन की आज भी तारीफ होती है। लेकिन प्यासा फिल्म इस गाने को हिट करवाने वाले शख्स गुरुदत्त थे। प्यासा के बाद गुरुदत्त की अगली 4 फिल्मों 12 बजे, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम में वहीदा रहमान ने ही लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई। बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो वहीदा रहमान और गुरुदत्त का नाम सबसे पहले आता है। दोनों का प्यार अगर सबसे बेहतरीन प्यार था तो दोनों का जुदा होना भी किसी ड्रामे से कम नहीं था। कागज के फूल की असफल प्रेम कथा उन दोनों के स्वयं के जीवन पर ही आधारित थी। फिल्म की कहानी की तरह गुरुदत्त की निजी जिंदगी में कोहराम मचा हुआ था। गलतफहमी और व्यस्तता की वजह से गीता दत्त के साथ उनके झगड़े बढ़ने लगे थे और जिस गीता को उन्होंने दिल की गहराइयों से चाहा वो उनसे दूर जाने लगी थी। गीता बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी। गुरुदत्त बेइंतहा शराब पीने लगे थे जिसके चलते उनका लिवर खराब होने लगा। कहा जाता है कि जिस रात गुरुदत्त की मौत हुई थी उस रात उन्होंने जमकर शराब पी थी। गीता से झगड़ा हुआ तो वो बच्चों को लेकर कहीं चली गई। गुरुदत्त ने सभी जगह फोन लगा लिया लेकिन उनकी खबर कहीं नहीं मिली। रात में उन्होंने आशा भोसले को भी फोन मिलाया और उनसे गीता के बारे में पूछा। इस पर आशा जी ने कहा गीता उनके पास नहीं आई। बस फिर क्या था, वो गुरुदत्त की किसी शख्स से आखिरी बातचीत थी। सुबह जब उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया तो वो अचेत हालत में बिस्तर पर पड़े मिले। गुरुदत्त के आखिरी वक्त में ना तो उनके साथ गीता थी और ना ही वहीदा। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बतौर निर्देशक गुरुदत्त की आखिरी फिल्म सुहागन थी, लेकिन वो अपने आखिरी लम्हों में बहारें फिर आएंगी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। गुरुदत्त की 8 फिल्में आज के दौर में फिल्म मेकर्स के लिए किसी लाइट हाउस से कम नहीं। वो लाइट हाउस जो आने वाले कई दशकों तक हिंदी सिनेमा को रोशन करता रहेगा। उनके जैसा करिश्माई प्रयोग करने वाला डायरेक्टर कम ही पैदा होते हैं। गुरुदत्त अपनी फिल्म में इतना खो जाते थे कि उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रहती थी। कागज के फूल से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। गुरुदत्त दाढ़ी बनाते हुए सिनेमाटोग्राफर मूर्ति के साथ शॉट डिस्कस कर रहे थे और तभी अचानक से तेज आवाज गूंजी। गुरुदत्त अपना रेजर फेंकते हुए जोर से चिल्लाए, अरे क्या करते हो यार मूर्ति, तुमने तो बर्बाद कर दिया मुझे। मूर्ति बोले, मैंने क्या किया, हम तो शॉट के बारे में बात कर रहे थे। इस पर गुरुदत्त बोले, नहीं यार, तुमसे शॉट की बात करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूंछ ही उड़ा दी। ये वाक्य बताता है जब गुरुदत्त शॉट के बारे में सोचते तो थे, बाकी सब कुछ भूल जाते थे। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।